एक तरफ शासन व प्रशासन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश कर जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह के नेतृत्व में ड्रग विभाग और पुलिस की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक संजीत कुमार गुप्ता फार्मासिस्ट की पढ़ाई के साथ ही गोरखपुर के एक स्थायी हॉस्पिटल में नौकरी भी करता है। ड्रग विभाग की टीम ने दोनों ही अभियुक्तों को पकड़कर धर्मशाला पुलिस चौकी को सौंप दिया है। आप दवा आज लेने जा रहे हो, इतना थोड़ी लापरवाही किया जा रहा है। ठीक है सर, देखते हैं, सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक करता है गर्भ में और एक दूसरे हॉस्पिटल में करता है। फिर बातचीत नहीं सर हमारे इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जयसिंह ने बताया। हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और वो जहाँ पर बुलाता है वहाँ पर आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाले पर उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। तो हम लोग 4 बजे के करीब यहाँ आए पुलिस चौकी पे, यहाँ पे पुलिस सादे वर्दी में पुलिस लिए और उसके बाद जो हमारा मुखबिर था उसने आने के बाद हमें सूचित किया कि आ गए हैं हम लोग। तो जैसे ही वो लोग मतलब इंजेक्शन उसको देने गए, तैसे ही हमने पुलिस के सहायता से उनको पकड़ लिया। उनके पास से 2 वायल रेमडेसिविर जिसकी कीमत 1300 रुपये 1299 रुपये प्रति वायल है और एक खाली वायल